हाय HVC टीम भाई, गुड मॉर्निंग भाई, आप कैसे हैं? आई होप आप ठीक होंगे भाई। पिछली वीडियो में मैंने टॉप 7 क्वेश्चन HU के बताए थे, तो उसमें एक भाई को जो है लास्ट वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया, एक्चुएटर कैसे काम करता है या एक्चुएटर का वर्क कैसे होता है। और एक भाई का क्वेश्चन था कि हाँ मतलब कितने HU में ये जो वाटर का प्रेशर कितना होता है। तो मैंने ऑलरेडी आपको कमेंट में भी बताया जो भी है कि कोई भी लिक्विड, चाहे हमारी फायर लाइन हो या हमारी कोई भी लिक्विड को हम हाइट पे देंगे, यानी हम ग्रेविटी क्रॉस करवाएंगे ना, तो हर टेन मीटर पे हमारा 1 kg प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। जैसे हमारे चिलर में अगर हमने वहाँ पे 5.5 kg हमने प्रेशर सेट किया है कि हमारे चिलर के अंदर यहाँ पे 5.5 kg रहेगा, जो हमारी प्राइमरी या सेकेंडरी यहाँ से थ्रो करके हमारे HU को देगी, तो जैसे ही हमारा वहाँ से हमारे चिलर प्राण से निकलेगा और हाइट में आते आते वो जो 10 मीटर क्रॉस करेगा, तो यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, उसका यहाँ पे आपको 4.5 से 4 kg प्रेशर मिलेगा। उसके ऊपर आप जो है, ये अभी हम यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हुए हैं, तो मैं आपको यहाँ का एक बार प्रेशर भी आपको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद एक्चुएटर पे आपको मैं ये चीज़ आपको बता दी। मेरा HU रूम है, ठीक है, देखिए ये भी HU ऑफ चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी फ्लोर पे किसी ने कोई आया नहीं यहाँ पे, तो टेनेंट नहीं बना हुआ है इसका। देखो पहले चीज़ तो हमारा यहाँ पे आपको प्रेशर दिखा दे, तो हमारे चिलर का जो है 5.5 से 6.5, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्या जा रहा है आपका प्रेशर, यहाँ पे 4 kg प्रेशर है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम जो है हर 10 मीटर पे ऊपर जाएंगे ना, हर 10 मीटर पे, ये फर्स्ट फ्लोर है, ये बिल्डिंग हमारी 9th फ्लोर पे, तो 9th फ्लोर का हमने, अब मैं आपको 6th फ्लोर का भी दिखा दूंगा, 6th फ्लोर का अगर हम वहां पे जाके चेक करेंगे तो वहां पे अराउंड 2 kg मिलेगा, क्योंकि वहां पे 20 मीटर हमारा ड्रॉप होगा, 20 से 25, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमारा जो है यहाँ पे हमारी यानी ये बिल्डिंग 9th फ्लोर तक की है, 9th फ्लोर पे मैं आपको दिखाऊंगा तो 1 kg तक वहां पे मिलेगा। तो इससे आपको कूलिंग में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि वहां का एक्चुएटर आपका काम करता रहता है। तो हम आ जाते हैं अपने जो एक्चुएटर पे थी, तो आपका कोई भी प्रेशर है वहां पे सेट पॉइंट, हाँ आपके चिलर पे हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो हर चीज का मिनिमम होता है, मिनिमम वहां पे आपके चिलर पे, अब जैसे हमारी छोटी लाइन है या हमारी 3 ही 4 ये फ्लोर की बिल्डिंग है, तो वहां पे हम 2.9 जो हमारा मिनिमम प्रेशर होता है केजी का, वो हम 2.9 kg प्रेशर हम वहां पे ऐड कर सकते हैं, जो हमारा मिनिमम प्रेशर, इससे कम हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम एक्चुएटर की बात। देखिए ये हमारी लाइनें हैं, ठीक है, तो पहली चीज मैं आपको एक्चुएटर पे बात बता दूं, एक्चुएटर काम कैसे करता है, फिर वो अगर हम उसको आउटलाइन की बजाय हम उसको इन लाइन में लगाएं, जैसे आप PICV देखे होंगे लेटेस्ट मॉडल, यानी ये जो प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल्व होता है, तो यहाँ पे PICV लगे हैं, तो एक्चुएटर को जो कमांड देता है ना, वो हमारा रिटर्न एयर सप्लाई सेंसर होता है, सेम उसी तरह काम करता है जैसे कि हमारे स्प्लिट एसी में होता है। स्प्लिट एसी में जो हम सेट पॉइंट देते हैं अपना रूम टेम्परेचर का, जैसे हम 24 डिग्री सेल्सियस पे हमने सेट किया हुआ है, तो क्या होगा कि हमारा 24 आने के बाद क्या होता है कि हमारा कंप्रेसर ऑफ हो जाता है, ठीक है। और जैसे अब जो हमारी लेटेस्ट एसी आई है, यानी स्प्लिट एसी में, मान के चले इन्वर्टर एसी में, तो इन्वर्टर में क्या होता है कि हमारा RPM स्लो होता है, हमारा कंप्रेसर ऑफ नहीं होता, बस वो RPM स्लो कर देता है। इससे ये बेनिफिट होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज ऑफ होने के बाद जब ऑन होता है ना, तो हाई इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, यानी हाई इलेक्ट्रिसिटी वो अपने पास टेक करता है, जिसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक बिल ज्यादा आता है। तो इसलिए इन्वर्टर एसी जो है आपकी वो ऑफ नहीं होती। तो जो हम यहाँ बात कर रहे थे, अपने सेंसर जो है हमारा सेम उसी तरह जैसे स्प्लिट एसी में काम करता है, वो स्प्लिट एसी का सेंसर यह है, हमने 24 सेट किया, सेट करने के बाद जैसे रूम टेम्परेचर हमारा 24 आ गया, तो वो क्या करेगा, हमारी कंप्रेसर को ऑफ कर देगा। लेकिन इसमें क्या है कि जैसे ही हमने सेट पॉइंट, वहां देख लीजिए, वो हमारा रिटर्न एयर सप्लाई सेंसर है, देख लीजिए वहां पे वो जो लगा है, वो हमारा जिस जो नोब निकली हुई है ना, वो नोब हमारी रिटर्न एयर सप्लाई को सेंस करती है कि कितना हमारा रिटर्न एयर आ रहा है। तो हमारा जैसे ही 24 हमने यहाँ पे सेट किया हुआ है ना, तो 24 मिलते ही क्या होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए ये एक्चुएटर लगा हुआ है, ये देख लीजिए ये हाई फ्लो का जो है ना, ये एक्चुएटर है, ये एक्चुएटर लगा है। तो ये क्या करिए, हमेशा आउटलाइन में लगाया जाता है, ये क्या करेगा, वो अगर 24 ये जो मिल जाएगा, तो ये पानी का प्रेशर जो है ना, ये ऑटोमेटिक क्लोज होने लगेगा, यानी अगर ये 100% ओपन रहा 24 सेल्सियस से पहले तक, यानी अगर यहाँ का
25 सेल्सियस आता रहेगा तो ये 100% ओपन रहेगा, और जैसे ही इसको 24 मिल जाएगा या धीरे धीरे ऑफ होना, यानी अगर 100% खुला रहेगा तो ये 90% 80% ये आता रहेगा, ठीक है। और जैसे ही फिर से 24 से ये क्रॉस होगा फिर से ये 100% ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम ये चीज शो करवाया, देख लो यहाँ पे। देखो जैसे हम मान के चलो ये हमारा काम कैसे करता है, देखो ये हमारा एचयू है, ये हमारा चिलर है, ये सेकेंडरी पंप, ये प्राइमरी पंप। सेकेंडरी पंप और प्राइमरी पंप में यही डिफरेंट होता है कि सेकेंडरी पंप हमारी चिलर से वाटर सक करके हमारे एचयू को देती है, ठीक है, इतना सा काम। और प्राइमरी का काम यह होता है कि वही के जो है वो जो है अपोजिट मतलब क्या होता है, एचयू से खींच के हमारे चिलर को देती है, और सेकेंडरी का काम क्या होता है, चिलर से खींच के एचयू को देना, बस ये होता है। तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक्चुएटर लगाया, ठीक है, ये हमारा एक्चुएटर है, और यहाँ पे हमने ये रिटर्न एयर सप्लाई सेंसर जो है सेट किया, यहाँ पे मान के चलो हमने 24 डिग्री सेल्सियस सेट किया, तो ये कनेक्ट करता है किससे, ये हमारे एक्चुएटर से, ठीक है, एक्चुएटर पे कनेक्ट रहता है। एक्चुएटर पे कनेक्ट होने के बाद क्या होता है, जैसे इसको 24 मिला ना तो ये धीरे धीरे ये क्लोज होने, अगर ये 100% रहा ना तो ये 80% पे आ जाएगा, फिर उसके नीचे भी आएगा अगर इसको, यानी 24 के नीचे जाता रहेगा ये टेम्परेचर, तो इसमें क्या होता है कि ये इसको धीरे धीरे ऑफ करने लगेगा। अब ऑफ करने के बाद आप ये चीज जान लीजिए कि यहां से ये पानी दे रहा है, ठीक है, सेकेंडरी पंप ऑलरेडी, ये कूलिंग कॉयल है हमारी, ये कूलिंग कॉयल है पूरी, तो कूलिंग कॉयल में ऑलरेडी पानी जो है ये जो भरता रहेगा, ठीक है। भरने के बाद क्या रहेगा, जैसे ही यहाँ पे अगर 24 से ज्यादा जाएगा, क्योंकि ये पानी यहाँ पे अब ये होल्ड करेगा, ये वाल यहाँ पे जो बंद करेगा, तो पानी जो है इससे जो भरता ही रहेगा, तो पानी मतलब भरता रहेगा, यहाँ पे रुका रहेगा, ठीक है, रुका रहेगा, क्या रहेगा कि ठंडा पानी ये सर्कुलेट नहीं कर, जब यहां से आगे पानी जाएगा नहीं तो ये पानी रुका रहेगा। तो जो यहाँ पे ब्लोअर लगता है ना, ब्लोअर, वो ब्लोअर जब रिटर्न एयर खींच के फिर यहां से जो है इस पानी के कॉन्टैक्ट से फ्लो को जो है आगे बढ़ाएगी, तो यहाँ का पानी रुका रहेगा, तो ये हीट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ी देर तक ये पानी ये काम करेगा कि हमारा 24 तक आ जाए सेल्सियस तक, ठीक है, और फिर क्या रहेगा, देखो यहां तक आ जाएगा 24 तक, तो यहां से पानी धीरे धीरे सर्कुलेट, और जैसे ही यहां पे ये हीट हुआ तो रिटर्न एयर ऑटोमेटिक आपकी 24 आने लगे, ये 24 से ऊपर आने लगे, तो क्या करेगा, ये जो है धीरे धीरे ओपन होने लगे, तो पानी फिर से ये कंटिन्यू जो है आपका प्राइमरी पंप फुल सोर्स से ये चीज खींचने लगेगा, ठीक है। अगर हम यही बात थी हमारे कि एक्चुएटर अगर इन लाइन में लगा दें, एक्चुएटर अगर हम यहां पे लगा दें, फॉर एग्जांपल हमने यहां पे लगा दिया, ठीक है, यहां को हटा दिया हमने, तो ये क्या करेगा कि ये सप्लाई जो है ना आपकी, ये सप्लाई आ जाएगी यहां पे, ठीक है, ये इसको अगर 24 मिला तो इसने ऑफ, इसको जो ऑफ करना स्टार्ट कर दिया, जैसे ही इसको रिटर्न एयर सप्लाई 24 के अचीव हुई, ये इसको ऑफ करना स्टार्ट कर देगा। अब अगर ऑफ करना स्टार्ट होगा तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ये इन लाइन में लगा है यार, ये जाते ही यहां पे ऑफ कर देगा तो पानी आगे जाएगा ही नहीं हमारा, यानी एचयू की लाइन खाली हो जाएगी, और ये प्राइमरी का काम ये है कि यहां पे अगर इसने लॉक कर दिया तो सेकेंडरी का पानी यहां तक तो आया लेकिन यहां तक आगे नहीं जा रहा है, जाएगा तो बिल्कुल स्लो जहां पे कूलिंग कॉइल हमारी खाली हो जाएगी, तो यहां पे क्या होगा, जो हमारा ब्लोअर चल रहा है वो तो फटाक से हवा को मतलब दो मिनट भी नहीं लगेगा, वो हवा जो हीट होने लगेगी। तो इसलिए क्या होता है कि इसको आउटलाइन में लगाया जाता है कि कम से कम हमारा पानी यहां तक कम से कम कूलिंग कॉइल के अंदर तो भरा तो रहे, ये चीज होता है कि हम आउटलाइन में लगाते, और अगर इन लाइन में लगा देंगे तो ये हमारा पानी खींचेगा, ठीक है, यहां तक होल्ड कर देगा, और ये प्राइमरी पंप जो है पूरा यहां से लेके ये पूरी कूलिंग कॉइल को खाली कर देगा, जिस वजह से यहां पे एयर आने के भी चांस हैं, और कूलिंग का तो आपको पता है कूलिंग 2 मिनट के अंदर गायब हो जाएगी यहां से, तो इसलिए इसको आउट में लगाया जाता है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये हमारा एक्चुएटर रहता है जो हमेशा आउट लाइन में इसीलिए लगाया जाता है, ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा भाई, थैंक यू।